आज का एक्चुअली जो मेरा प्रोग्राम स्पेशली 12th पास बच्चों के लिए था, यह 12th कर रहे हैं, ये एक ऐसा पीरियड होता है जब बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, अचानक इंडिपेंडेंस की उसको फीलिंग आने लगती है कि अब तो माँ बाप से अलग होकर के हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एक इनसिक्योरिटी भी मन में आती है और दूसरे साथ ओवर फ्रीडम की बात भी आती है। कॉलेज में जाके लोग अपना समय खराब ना करें, डरे नहीं, करियर के सही चुनाव करें। तो सबसे पहले आज के विचार में मैंने इनको समझाया कि खुद पर विश्वास और खुद पर नियंत्रण, एक अपने जीवन का चार्ज खुद लो, सीखो कि कैसे हम स्वावलंबी बने, कैसे हम इंटरप्रेन्योर बने और कुछ ऐसी क्वालिटीज अपने व्यक्तित्व में लाएं जो हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी या उसमें सक्सेस नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में जाएं तो हम लीडर बन सकें, हम अपने इंटरप्रेन्योर बन सकें, आगे बढ़ सकें। तो आज इसी भावना से एक नई शुरुआत मैं हजारीबाग केंद्र में अपनी यहाँ होने के नाते और पूरे हिंदुस्तान और विश्व में जो भी काम किया मैंने उसको लेकर के हजारीबाग में शुरू करना चाह रहा हूँ। UPSC हो या JPSC हो, जो चाणक्या में 3-year कोर्स है स्पेशली 12th पास बच्चों के लिए, वो इस तरह क्या है कि चूंकि जेंडर स्टडी का सिलेबस 10+2 का ही है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, ग्रेजुएशन का लेना होता है, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें 3 साल में बच्चे आराम से बहुत सिस्टमेटिकली तैयारी करके अपने व्यक्तित्व का विकास साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली जब 21 ईयर के एज के हो गए, ग्रेजुएट हो गए, तो पहले दूसरे अटैम्प्ट में ही टॉप रैंक लेके सेटल हो सकते हैं। उनके अब उनको जो क्लैरिटी आ सकती है कि कैसे हम इसको सफल बन जाएं और समय का भी बर्बादी बचेगा। तो चाणक्य में इसको मैंने इसी हिसाब से डेवलप कराया है कि एक सिस्टमेटिक एंड स्लो पेस पे 3 साल में बच्चों का चारित्रिक विकास, उनके व्यक्तित्व का विकास और एक कॉम्पिटेंस फॉर क्वालिफाइंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो डूइंग एक्सेलेंट इन डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, वो पॉसिबल हो सके। सबसे पहले एक तो बहुत तरह के मिथ होते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तुम्हें 12th पास करके जो ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं, जैसे नाम से रहता है यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी बनता है, तो वो एक तरह सामाजिक यूनिवर्स में इंटर कर रहा है, 18 साल से प्लस हो गए हैं, तो उनको सबसे पहले अपने अंदर एक कॉम्पिटेंस डेवलप करना और अपने एप्टीट्यूड को पहचाना कि मेरी लाइकिंग किस फील्ड में ज़्यादा आ रही है और उसके अंदर एक अंदर जो एक्सेल करने कुछ बेसिक क्वालिटी होती है जो हर फील्ड में चाहिए। तो किसी भी कैंडिडेट को इसी समय पे सही निर्णय लेने का टाइम होता है कि आपका करियर का चुनाव क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड कैसा है और सक्सेस के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो सबके कॉमन ही होते हैं, उनको कैसे इंटरलाइज करें, समय का हम मिसयूज ना करें। क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे अचानक फ्री हो जाते हैं, पेरेंट्स से कॉलेज के सिस्टम भी थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, स्कूल में टाइट होता है, तो यहाँ डिसिप्लिन तोड़ने का या फ्री होकर के टाइम बर्बाद करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि सबसे क्रिएटिव टाइम किसी के लाइफ में होता है कि यही 18 से 21 साल का पीरियड है। इस समय जो आदमी निर्माण कर लेता है अपना, उसको फिर जिंदगी भर के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी इमारत खड़ी हो जाती है। और जो चाणक्य में फाउंडेशन कोर्स है वो इसी पर आधारित है कि कैसे उसको फाउंडेशन में मजबूत कर दें कि लाइफ लॉन्ग वो फिर अपनी उस इमारत बड़ी खड़ी कर सके। देखिए, पहले सबसे पहले तो UPSC के द्वारा जो सिविल सर्विसेज है या JPSC के द्वारा इसलिए बनाया गया कि अलग फील्ड के लोग आएँ और सिस्टम में लार्जर लेवल पर कंट्रीब्यूट करें। और इस सबसे बड़ी जो एक कहते हैं कि रियलाइजेशन, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो एक बड़े प्लेटफॉर्म में आता है, तो उस प्लेटफॉर्म में एक जगह इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, तो एक लिमिटेड लेवल पे प्लेटफॉर्म में सब दे सकता है। बट उसी एक्सपीरियंस को, नॉलेज को जब वो IAS के प्लेटफॉर्म पे करेगा, सिविल सर्विसेज पे करेगा, तो उसके अंदर कई डिपार्टमेंट आ जाएंगे, बड़े पॉलिसी प्रोग्राम में भाग ले पाएगा और अपने उस नॉलेज स्किल को एक अलग पहचान बना पाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ी रुझान जो है आज के दिन में बढ़ती जा रही कि प्रोफेशनल फील्ड से भी लोग, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स को छोड़ छोड़ करके बच्चे सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, क्योंकि एक योगदान देने में अपने सामने रिजल्ट दिखता है उनको कि कैसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पावर में आकर के जिम्मेवारी लेके पूरा कर सकते हैं।